इस वक्त हमारे साथ हैं लोकसभा धार की भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर जी, जिन्हें पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। आइए हम जानते हैं इनसे कि धार लोकसभा सीट पर इस बार क्या हालत है, क्या माहौल है और जनता क्या चाहती है। सावित्री जी, बताइए, आपको इस बार वापस टिकट दिया है, इससे पूर्व पहले आप सांसद थी। धार क्षेत्र में एक जो आपका इलाका है, वहाँ डूब प्रभावित क्षेत्र भी रहा है और वो भी हमेशा मुद्दा गर्माता है, इस बार क्या स्थिति है? देखो, डूब क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर समय चिंता की थी, पिछली बार भी की, बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी भी, फिलहाल शिवराज जी थे पिछली बार, अभी डॉक्टर मोहन जी यादव है, सर्वे होता है और सर्वे के आधार पे सभी डूब प्रभावितों को हमने, जब बारिश हुई थी तब भी हमने उनकी चिंता की है और आगे भी चिंता करते हैं, और जहाँ जहाँ उनको बसाने की भी पूरी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। और भी कई तरह के मुद्दे हैं जो हर समय बढ़ता रहता है, मुआवजे की राशि, उस हिसाब से सर्वे होता है और सभी हमारे अधिकारीगण पटवारी से लगा के तहसीलदार SDM गए हैं नीचे लेवल पे और वो सब पूरा काम चल रहा है। धार भूशाला भी इस बार चर्चाओं में है, वहाँ पर अभी सर्वे हो रहा है, हमेशा मूर्ति लाने की बात होती रही है। पूर्व में जो हमारे CM थे शिवराज सिंह जी, उन्होंने भी कहा था कि हम लंदन से मूर्ति लाएंगे, अब क्या लगता है आपको कि वो मूर्ति आ पाई कभी? देखो, मेरे समय ही वो डिसीजन हो चुका है, कोर्ट ऐसे केस हम जीत चुके हैं मूर्ति वाला, आपको बता दूं, ध्यान में है यानी। अब सिर्फ ये है कि मूर्ति वहाँ स्थापित हो, इसके लिए बात चल रही है, वो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर वहाँ स्थापना होगी। इसीलिए जो केंद्र की आर्कियोलॉजिक टीम है जो आई है, वो जो सर्वे कर रही है कि वाकई में बहुत साला है, वो सर्वे के आधार पे कोर्ट डिसीजन देगी और उसके बाद मूर्ति स्थापना होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।